इसमें दो चैप्टर्स है, वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा आता है जीन इट्स नेचर एंड एक्सप्रेशन, मतलब जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में वी नीड टू कंप्लीट दिस एंटायर पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। अभी इसमें से वन पार्ट इज देयर व्हिच यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्नड, जब आप लोग बचपन में छोटे थे और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। सो दैट टाइम यू पीपल हैड ऑलरेडी स्टडी, यस मेंडल वाला पार्ट, करेक्ट, तो वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी का एक्सटेंशन रहेगा अभी ये वाले चैप्टर में, ठीक है, सेम एक्सटेंशन रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से अभी बदलेंगे, बदलेंगे इन द सेंस एड हो जाएंगे, द वन विच यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड विल बी देयर, बट अदर देन दैट देर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑल्सो, सम लॉज, defying the laws, then the making changes in certain laws so that you know it will be easily understood. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें अभी पढ़ने वाले हैं, right? Now, as we all know that living organisms will have this very important characteristic property to reproduce. ठीक है? So we all have living organism. मतलब it includes everything, right? From microorganisms to macroorganisms. Plants to animals, human beings, etc. Every organism will have this important ability to reproduce. So they will give rise to their young ones. So it can be either by asexual reproduction or it can even be by the sexual reproduction. But all the organisms will show this very important characteristic. Okay? So this will help show, this will make sure that the continuity of the life will be there. Matlab, a particular species will continue. A particular number of individuals in a given species will be maintained, तो उसके लिए reproduction की बहुत जरूरत होती है। Now, the living organisms are known to inherit certain characters from their parents, in turn transferring these traits to their offsprings. मतलब, we are transferring certain characteristics from one generation to another. Okay? अच्छा, अभी यहाँ पे ना ट्रेट और कैरेक्टर ये दोनों साथ में दिया हुआ है, बट लेट मी टेल यू देर इज अ डिफरेंस इन व्हाट डू वी मीन बाय ट्रेट एंड देर इज अ डिफरेंस इन व्हाट डू वी मीन बाय अ कैरेक्टर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेट और कैरेक्टर में फर्क क्या होता है, बट वी ऑल हैव सीन दिस दैट ऑर्गेनिजम्स विल ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते जाएगा। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द ट्रेट्स, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अभी यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना, दिस इज नोन एज, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कैरेक्टर एंड नॉट द ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक, बट इफ आई से दैट दिस गर्ल हैज ब्लू कलर ऑफ द आई, सो दिस ब्लू बिकम्स वॉट, द ब्लू विल बिकम द ट्रेट। फर्क समझ में आ रहा है? Yes, boys and girls, are you getting this? Yeah, so that's the basic difference. Ki ye sab general skin color ho sakta hai, eye color ho sakta hai, hair color ho sakta hai. Abhi hair ka style ho sakta hai. Jaise some people will have curly hair, some people will have straight hairs. Okay, so the type of hair will become your characteristic, whereas the trait will be their expression. So expression of the character is known as the trait. Itna yaad rakho. ठीक है, सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द ट्रेट, एंड ट्रेट आर ऑलवेज इन अ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, ये हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में ही होता है। ठीक है सर, मतलब वो किसी पे गया है था, दैट इज ट्रेट, यस करेक्ट, सो दैट इज नोन एज द ट्रेट। जैसे मैंने बताया ना कि कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द हेयर, प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो द टाइप ऑफ सीड, शेप ऑफ द सीड, अभी शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द फ्लावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, बट व्हेन आई से दैट दिस फ्लावर हैज ब्लू कलर या फिर दिस फ्लावर हैज मे बी वॉयलेट कलर और दिस फ्लावर हैज रेड कलर, सो ये वॉयलेट कलर, रेड कलर बिकम्स द ट्रेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज कलर ऑफ द फ्लावर। So there is basic difference between what is trait and what is a characters. ठीक है, presence of dimples, presence of the type of height which we have. So ये सारे क्या बन जाते हैं हमारे लिए characteristics, और उनके जो expressions आते हैं, मतलब characteristics का जो expression आता है, that expression is known as the trait. Right? So naturally we know that we are sharing equal number of chromosome from both the parents, and thus the offspring will develop, and this offspring will show certain similarities and differences with the parents. So the offsprings resemble their parents and also each other. ठीक है,
वो एक दूसरे के साथ मतलब पेरेंट्स के साथ वो रिजेम्बल करते हैं. सो वी शेयर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट बाय विच वी आर सिमिलर टू द पेरेंट्स, बट देर आर डिफरेंसेस ऑल्सो, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन. ट्रेट इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, कैन वी से द येस करेक्ट, ट्रेट इज बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेट. ओके जस्ट अ मिनट. हाँ यस लोहिता, हम लोग पढ़ेंगे आगे आएंगे, सारे डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ने ही है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये इनहेरिटिक किस तरीके से होता है. नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एंटायर फैमिली एंड इन दिस एंटायर फैमिली वी विल ऑब्जर्व दैट देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सिमिलर. आर वी आइडेंटिकल विथ आर पेरेंट्स? आर वी आइडेंटिकल विथ आर सिबलिंग्स? ऑब्वियसली नो. ठीक है, सो वी ऑलवेज शो स्लाइट डिफरेंसेस. हम लोगों में डिफरेंसेस भी होते हैं, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म विल बी बॉर्न विद द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस विद द फैमिली मेंबर्स, स्पेशली विद द पेरेंट्स. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दो वी शेयर सर्टन कैरेक्टर्स विच आर सेम, बट वी ऑल्सो हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल पी सीड्स या फिर पी प्लांट होता है, या फिर कैट कैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द किटन्स. तो ये क्या होता है ना, पी सीड से पी प्लांट ही आएगा, दूसरा प्लांट नहीं आएगा. कैट से किटन्स ही आएंगे, बराबर है, दूसरे कोई एनिमल इसमें से डेवलप होने वाला नहीं है. सो दैट इज हाउ वी सी द कैरेक्टर्स ऑफ गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट? बट व्हेन द कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, दे आर ट्रांसफर्ड विद सर्टन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ओके, सो दस वी से दैट लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब सिमिलैरिटीज विल डेफिनेटली बी देयर. जैसे पी सीड इज गोइंग टू डेवलप द पी प्लांट, कैट विल प्रोड्यूस द किटन्स. ओके, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स आते हैं. सो एज यू कैन सी, अच्छा ये ऑर्गेनिज्म भी अगर आप देखते हो, सो एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हर एक स्पीशीज का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट एवरी इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर्स ऑफ द सेम स्पीशीज ड्यू टू सर्टन डिफरेंसेस. मतलब अभी आप देखोगे ना, तो ये चारों कैट्स में देर इज अ डिफरेंस, बराबर है, बट दे ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दैट इज कैट फैमिली, फेलिस डोमेस्टिकस ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं, बराबर है, साइंटिफिक नेम. सो दे बिलोंग टू कैट फैमिली और फेलिस डोमेस्टिकस. दो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, स्टिल वी विल सी दैट देर आर सर्टन डिफरेंसेस. मतलब ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का. सो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the same mechanism of inheritance. मतलब whenever we are inheriting certain characters, मतलब ये cats ने अगर कोई character ये दोनों parents से अगर लिया है, तो they have taken certain characteristics by which they are similar to their parents, but at the same time there are certain genes which will make them different from the parents. And that is why it is said that the similarities and differences are the two different aspects of the same mechanism of inheritance. So mechanism of inheritance will remain the same. So there are certain resemblances. At the same time, there are certain differences as well. So similarity bhi rahega aur difference bhi rahega. So that is how we see the basic concept of the genetics. Okay. Now the question is ki ye similarities ya phir differences aate kaise hai? ठीक है, ये कैसे आएगा? सो सिमिलैरिटीज आर जनरली टर्म्ड विद द नेम एज द हेरिडिटी, वेयर एज द डिफरेंसेस आर टर्म्ड एज द वेरिएशंस, करेक्ट? सो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड वेरिएशंस विल मेक द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एट द सेम टाइम द हेरिडिटी विल मेक श्योर दैट द ऑर्गेनिज्म विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. नाउ द स्पेसिफिक वर्ड विच इज यूज्ड हियर इज similar and not identical. So we are not the identical copies or Xerox copies or photocopies of our parents, but we are definitely similar to our parents. So the question is ki what exactly do we mean by heredity? Heredity kya hota hai? So heredity is nothing but the transmission of the traits, that is characters, from parents to offsprings. Whatever characteristics which gets transmitted from parents to offsprings by which the offspring is similar to the parents. Okay, because of this, so by which the organism
बाय विच द ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल. ओके, सो वी कॉल दिस एज व्हाट? वी कॉल दिस एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी. इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. एंड हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वी कॉल दैट एज हेरिडिटी. समझ में आ रहा है? दिस ये लिखो, हाँ, बी ए डेफिनेशन हेरिडिटी का. राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द चैप्टर एज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. राइट डाउन दिस फर्स्ट सेंटेंस हेरिडिटी एंड राइट द डेफिनेशन. हो गया तो मुझे बोल दो. आ गई खुशी. खुशी को पकड़ के लाना पड़ता है ना. खुशी? नहीं सर, आज कॉलेज के पेपर थे तो उधर गई थी. कौन से पेपर से? आज फाइनल एग्जाम. फाइनल एग्जाम था? कौन सा था आज पेपर? आज ईवीएस था और पीटी का था. पीटी? ओ माय गॉड, थ्योरी एग्जाम था? हाँ सर. क्या लिखा फिर? कुछ नहीं, एमसीक्यूज ही थे, जो आया वो लिख दिया. ओके गुड. हाँ, दो पेपर्स एक ही दिन में. गुप्ता जी की बेटी, कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं. इशिता इज आस्किंग, दो पेपर्स एक ही दिन में? इतना लोड नहीं रहता सर. हाँ मालूम है मुझे ना. यहाँ पे भी तो हुआ ना. यहाँ पे तो 11th का फाइनल एग्जाम अपने सेंटर में ही हुआ. ऑल द स्टूडेंट्स ये लास्ट वीक गेव देयर एग्जाम्स इन द सेंटर ओनली. सेंटर पे ही सारे पेपर्स आ गए कॉलेजेस के और सेंटर पे बैठकर एग्जाम दिया. चलो हो गया ये लिख के. गुड, तो ये हो गया आपका हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ एज आई सेड, बट नॉट ओनली हेरिडिटी, बट देर आर सर्टन डिफरेंसेस विच ऑल्सो वी सी. वेरी गुड, नूपुर को भी वैसे ही दिया. सो बट देर आर सर्टन डिफरेंसेस विच वी सी amongst each other. So though we are born from the same parents, but still we are going to be different from our parents. We are going to be different from our siblings. यानी हमारे siblings भाई बहन भी रहते हैं ना, so they are also going to be different from each other. Very good. हम उनको घर पे दिया था papers. So what is variation? So what is that which brings about the differences? The differences are brought about by the variations. So the variations are the differences between the parents and the offsprings. Okay. Which are carried from generations to generation. So differences among the offsprings of the same parents. Same parents ke hi offsprings ka differentiation aata hai. And it is basically a differences among the individuals of the same species. Correct? So we call that as what? We call that as variation. Now, variation is essentially, hum log kai baar discuss kar chuke hai, variations are essential for the process or the mechanism of evolution. मतलब एवोल्यूशन इज पॉसिबल ओनली इफ देर आर वेरिएशंस. करेक्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी इसेंशियल. सो दो वी आर बॉर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, दो वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, बट स्टिल वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लान ऑफ जीन्स. मतलब जेनेटिक्स में ही ऐसा एक प्लान होता है जिसमें से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. हाउ द वेरिएशंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, कैन एनीवन टेल मी? मैंने पढ़ाया हुआ ये. Can anyone tell me? Yes. Okay, Sanika, can you just explain me this? Like simple language mein bolo na. Haan, bolo Sanika. Example of the rat and the eagle, right? Nahin, variations. My question was what? How the variations are produced? By the process of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन. ओके, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो दिया इज सेइंग समथिंग, लेकिन दिया थोड़ा आप पिन पॉइंट नहीं कर रहे हो. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस दिया आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट? लोहिता गलत. ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. नो, वेरिएशंस बेटा. एवरी ऑर्गेनिज्म विल शो द वेरिएशंस. निशिता, यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक. Very good, Zui. It is basically possible because of crossing over, na, meiosis. Yaad hai kya?
meiosis tends to produce the recombined genes, matlab recombinant genes and the chromosomes, and these chromosomes will differ from the parents. Barabar hai? So, jab crossing over hota hai, to variation produce hota hai. Aap jo bol rahe ho, sahi hai. But that answer is correct from the point of view of evolution. Right? Jo mujhe shayad Sanika ne diya, Valimbe. Okay? But when we say that the actual variations are getting produced, to ye crossing over hota hai na? दो क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये दो क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसा क्रॉसिंग ओवर होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो देन द शेयरिंग ऑफ द जीन्स विल टेक प्लेस एंड दैट विल लीड टू रिकॉम्बिनेशंस. यस, रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन प्राइमरी रीजन इज क्रॉसिंग ओवर, दैट इज सीन इन केस ऑफ मियोसिस. तो आपको ये मियोसिस में मिलेगा. And this variation is essential because it is essential for the survival adaptation, and adaptation is essential for the survival of the species. Correct? And because the variations are produced, so it has an important role or the significant role in the process of evolution. So evolution mein iska apna hi khud ka ek importance aa jata hai. Theek hai? So the branch of biology that deals with the heredity and variation will be called as the genetics. Okay? So the branch of biology that deals with the heredity and variations is called as the genetics. The name of the scientist is William Bateson. Now he in 1906 for the first time derived this particular word. And he has derived this word from a Greek word known as genesis. Genesis ka matlab aata hai to grow. Meaning this is basically responsible for the growth and development and reproduction. Okay? So this is very important from MCQ point of view. The name of the scientist, William Bateson. So ye likho. Ho gaya? Okay. Now, as I said, ki ye variations aur iski hum log baat kar rahe hai, toh there is one scientist whose name is Gregor Johann Mendel. Okay, last slide kaun sa chahiye? Haan, likho. Chal. हो गया सानिका राजगोरे. ओके, सो नाउ देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रेगर जोहन मेंडल. नाउ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वाज दिस पर्सन. 1906 अमन. ओके, ग्रेगर जोहन मेंडल. Now, in 1866, around the time of 1866, he was discovering and tried to understand this entire concept. He did a lot of experiments related to the same. What he did was, he did experiments on the garden pea plant. Okay? And then he proposed certain postulates or the principles. Today, we call them as the principles or the laws of inheritance, Mendel's laws of inheritance. राइट right? तो ये उन्होंने अपने लिए खुद के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जस्ट टू फाइंड आउट कि ये कैसे होता है. ओके, नाउ ही बेसिकली लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर द जेनेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, देयरफॉर नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड द एंटायर वर्क डन बाय हिम इज नोन एज द मेंडेलिज्म. ठीक है, तो मेंडेलिज्म होता क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. नाउ इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा लास्ट स्लाइड नुपुर, ये वाला सर, इसके पहले वाला, ये, हाँ सर, हो गया. ओके, नाउ इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वी ऑल नो दैट द ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस बाय अ मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अभी इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में द न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी ऑलवेज आइडेंटिकल, ये हमेशा आइडेंटिकल रहता है विद द पेरेंट्स, राइट. But because it is identical with the parent, so this particular type of reproduction will not have any role in the process of evolution. So evolution meaning ka koi kaam hi nahi hai.
And that is why no scientist studied this particular concept or asexual reproduction to understand the mechanism of inheritance. So what we studied was the sexual reproduction, correct? Where there are two organisms which are required, one male and one female, and then they will give rise to a young one known as the offspring. And this offspring will definitely be similar to the parent, but not identical with the parents. क्योंकि वहां पे क्या हुआ, क्लोनिंग जैसा कॉन्सेप्ट हो गया एसेक्सुअल में. सो द यंग वन द ऑफस्प्रिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्लोन. सिमिलैरिटी आइडेंटिकल रहेगा, मतलब वो क्लोन रहेगा, बट हियर इट्स नॉट गोइंग टू बी द क्लोन. ठीक है, सो दैट्स नॉट अ क्लोन. सो बट इन दिस ऑफस्प्रिंग्स द यंग वन विल डेफिनेटली इनहेरिट सर्टन कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. मतलब ऐसे दो कैरेक्टर्स रहेंगे जो ये लाएंगे, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे विच विल बी शेयर्ड बाय फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल हैव इट्स हिज और हर ओन कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, क्या नहीं समझा ऋतुजा? इनहेरिटेंस मतलब क्या, वी आर शेयरिंग सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स ना. हम हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर शेयरिंग द कैरेक्टर्स आर वी शेयरिंग देम एग्जैक्टली सेम? नो, विद द रिकॉम्बिनेशन, राइट? एंड बिकॉज देयर इज रिकॉम्बिनेशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स, बट वी आर गोइंग टू बी सिमिलर विद द पेरेंट्स, करेक्ट? Right, and because we are similar with the parents, so naturally we are going to inherit some characters from both the parents. Matlab kuch characters mother ke rahenge, kuch characters father ke rahenge, by which we will be identical with these parents because of those two characters. But we are not, the characters are going to be identical, but we are on the whole as an entire organism, we are not going to be identical, but we are going to be similar to our parents. Yes. करेक्ट, सो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. मतलब ये सिमिलैरिटीज आए क्यों, व्हाई आर वी सेइंग दैट वी आर नॉट आइडेंटिकल अमन, बिकॉज व्हाई आर वी सेइंग दैट वी आर नॉट आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स, बिकॉज वी हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी आर डिफरेंट, करेक्ट? जेनेटिक वेरिएशन. तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है दैट विल ब्रिंग अबाउट द इनहेरिटेंस. समझ में आ रहा है? तो हेरिडिटी से मुझे मिलेगा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट. सो द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय विच द ऑर्गेनिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज द यंग वन और द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स इज नोन एज हेरिडिटी. वेयर एज देयर आर सर्टन डिफरेंसेस वी कॉल दैट एज जेनेटिक वेरिएशन. सो द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन आर नोन टू प्रोड्यूस द इनहेरिटेंस. तो सिमिलैरिटीज जब आते हैं तो उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, डिफरेंसेस आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज इंटरमीडिएट कैरेक्टर एज वेल, राइट? नाउ टिल 19th सेंचुरी, अभी ये देखो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. टिल 19th सेंचुरी इट वॉज बिलीव्ड दैट देयर इज समथिंग नोन एज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. ये स्लाइड चाहिए मिस्टर आलोक? चलो, अभी ना 19th सेंचुरी तक ऐसा था दिमाग में कि देयर इज समथिंग नोन एज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. व्हाट इज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस? तो जैसे अगर दो अलग अलग जीन्स मिक्स होते हैं तो दे विल गिव राइज टू अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, मतलब सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा. सो ब्लड और हेरिडिटी यूनिट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स मिक्स इन द ऑफस्प्रिंग एंड दस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, मतलब नए कैरेक्टर्स बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लांट है, सो वी हैव अ प्लांट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर क्रॉस विद प्लांट हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर. तो ये सारे फ्लावर्स कैसे आ गए? ये सारे फ्लावर्स बन गए पिंक. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. तो पहले ऐसे लगता था साइंटिस्ट को कि द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस. सो हेरिडिटरी यूनिट्स शोइंग द ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. सो द कैरेक्टर्स आर चेंजिंग एंड एक्सप्रेसिंग डिफरेंटली. बट लेटर ऑन विद द स्टडीज इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बट देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद आर पेरेंट्स एंड देर आर मेनी बाय विच वी आर डिफरेंट फ्रॉम आर पेरेंट्स. तो इसके लिए थ्योरी बाद में निकल गया,
blending inheritance wala. So blending inheritance couldn't explain why offsprings of a black and white horse were black and not gray. Right? ऐसा बहुत बार observe किया है, बहुत सारे animals में, बहुत सारे human beings में observe होता है that we have this, जैसे horse का example लिया, one horse is black, another horse is white. But then the new horse which is born is black and not the gray. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चार flowers pink ही आएंगे. Correct, Zui. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे flowers pink आएंगे. बराबर. And that is how the concept was explained by Mendel. लेकिन scientist को लगता था कि pink ही आएगा. या आना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो मतलब 19th century में जब तक ये discovery नहीं हुआ, तब तक scientist को यही लगता था कि ये ऐसा ही होना चाहिए. कि कलर बदलेगा, पिंक होगा, बट दैट इज नॉट द केस इज व्हाट मेंडल हैज एक्सप्लेन, द वन व्हिच यू आर सेइंग राइट नाउ ज़ुई. ठीक है? सो ये दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. यहाँ पे भी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. ठीक है? राइट. सो द मेंडल वॉज द फर्स्ट वन टू से that the characters are transmitted from one generation to another by the to the next generation through certain factors. So what he said that in a cell we have certain factors and these factors are getting transmitted from one generation to another and this will bring about the change. These factors today we call them as the genes. जिसको आज हम लोग बोलते हैं जीन्स. लेकिन पहले उसको क्या बोला जाता था? करेक्ट भूषण. सो पहले उसको क्या बोला जाता था? फैक्टर्स. क्योंकि मेंडल को जीन क्या होता है वो पता ही नहीं था, जीन थियरी या जीन थेरेपी. तो इसके लिए मेंडल ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. व्हाट मेंडल सेड वाज दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच विल गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है? तो ऐसा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आया इसकी वजह से. सो व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर नथिंग बट द स्मॉल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम और द डीएनए. डीएनए का एक पर्टिकुलर यूनिट जो होता है, एक सेक्शन रहता है, जैसे ये वाला रहेगा. सो दिस इज नोन एज द टाइप ऑफ जीन. इसको हम लोग बोलते हैं जीन. सो दिस वॉज टोल्ड, दिस वॉज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वॉज प्रूव्ड बाय होम. It was done by Gregor Johann Mendel, born in the year 1922, died 1822 and died 1884. Okay? Now, born on 22nd July 1882 in Austria, and he was basically working in an Augustinian monastery of the Brunn as a priest. Okay? So he was working there as a priest. And then this is of course found in the University of Vienna. So 1856 mein study uska yahan se hi hua, Vienna se hi hua. 1856 mein isne kya kiya? Yes, you have to write this now. Hybridization experiment was done on the garden pea plant. Okay. 1865 mein he presented paper that is experiments in the plant hybridization. So hybridization technique ke upar experiments kiye, released in 1865. And 1866 mein he published a journal, Annual Proceedings of Natural History Society. So this was published by John Mendel. And in 1884 he died. Okay? But after his death, still till the time the discovery of the genes took place, which was in 19th century, 1904-05, till that time his work was not noticed by anyone. So the entire work remained unnoticed. Okay? So bas ye ek important points hai related to this chapter, Mendel ka. So just write it down.
यस करेक्ट नम्रता, ह्यूगो ड्यूवेरिस भी था और उसके साथ और दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा थियरी इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने. सो वी विल स्टडी दैट, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस डन. सर वेट अ मिनट, ये सब लास्ट इम्पोर्टेंट है, डेट्स ऑल इम्पोर्टेंट. फिनिश्ड? यस आज घर पे ही हूं मैं, एक्चुअली गड़बड़े चल रहा था. आज इधर कलर खेलते हैं ना नासिक में, जैसे होली आपका सेकंड डे हुआ ना उधर औरंगाबाद में, वैसे नासिक में आज है. बहुत मस्ती चल रहा है सब जगह. पंचमी वी फॉलो गुजरात पैटर्न. यस आलोक नोज इट. चलो शल वी नाउ आगे बढ़े. यस सांगली में भी खेलते, करेक्ट. हम लोग सब मोटा भाई को फॉलो करते हैं, मिस्टर अमित शाह. मुंबई पुणे में तो हो गया, मुंबई पुणे में इट इज डन सेकंड डे. जैसे औरंगाबाद में होता है ना सेकंड डे, वैसा मुंबई पुणे में होता है. ठीक है, या नासिक हैज वन ऑफ द बेस्ट होलीज, एक्चुअली बहुत मस्ती करते हैं. लातूर में भी है, आई नो. मैंने नहीं खेला बेटा, बोर हो गया अभी मेरे को होली खेलना. जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट. नूपुर यू वॉन्ट टू से समथिंग? नूपुर बड़बड़ी नूपुर. वेन आई विल कम इन वुडरिज इज वॉट प्रज्ञा इज आस्किंग. सी आई एम प्लानिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रिल ऑनवर्ड्स. 99% it is confirmed that I'll be coming to Aurangabad every Friday and Saturday. ठीक है, so 8 days in a month I will be in Aurangabad. इतना याद रखो. Okay, so every Friday and Wednesday, sorry, every Friday and Saturday will be my Aurangabad visit. Right? और बाकी फिर 4 दिन मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे नासिक में रहूंगा. और मुंबई का भी थोड़ा सा प्लान करना है अभी मुझे, अलग दिन देना पड़ेगा उनको. ग्रेगर के प्रोनाउंस कैसा होता है? ग्रेगर का ही है ना, ग्रेगर का प्रोनाउंसिएशन ग्रेगर ही है. सानी का ग्रेगर, ग्रेजोर मत बोलो उसको, ग्रेगर. ग्रेगर जॉहन मेंडल, ग्रेगोर बोलने. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. चलवी हो गया ना लिखे. चलो 1900 में क्या हुआ? हिज फाइंडिंग्स वेर रीडिस्कवर्ड बाय थ्री साइंटिस्ट. तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया. कौन कौन थे? तो सबसे पहला था ह्यूगो डी वेरिस फ्रॉम हॉलैंड, सेकंड वन इज कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, एंड थर्ड वन इज एरिश शेरमार्क. एरिश शेरमार्क, ओके, टी इज साइलेंट, एस सी एच इज श. सो द एरिश शेरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया.
तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडेलियन थ्योरी को रीडिस्कवर किया और रीस्टडी किया, ठीक है। सो ह्यूगो डी वेरी स्टडीड इन 1901 एंड ही पब्लिश्ड द मेंडेल्स रिसर्च इन अ पेपर नोन एज फ्लोरा, फ्लोरा नाम का उन्होंने एक पेपर, मतलब इट वॉज रिलेटेड टू द प्लांट्स, इसके लिए उसको नाम दिया फ्लोरा। ओके, सो ऑन मेंडल्स फाइंडिंग्स कॉरेन पोस्टुलेटेड थ्री डिफरेंट लॉज, टुडे वी नो नो देम एज द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मतलब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस डायरेक्टली मेंडल ने नहीं लाया, इट वॉज गिवन बाय हुम, कॉरेन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको हमारे सामने लाया, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो न्यू ब्रांच जेनेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस वॉज ओपन्ड बिकॉज ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज राइट डाउन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, किसने क्या किया, तीनों ने मिलकर रीडिस्कवर किया, ह्यूगो डी वेरिस ने पेपर पब्लिश किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लाया कॉरेन्स ने, कार्ल कॉरेन्स। डन? नो। चलो गुड, इशिता गुप्ता डन, वेरी गुड, आगे बढ़े। शैल वी नाउ मूव अहेड? नो कि हाउ हो? ओके, लिखो लिखो लिखो, ऋतुजा बोगणे। या लिखो ऋतुजा, गुड। अमन, अमन का जल्दी हो गया लिखना। फिनिश्ड? ऋतुजा हो गया बेटा तेरा? सर वो नेक्स्ट स्लाइड पे वो पोस्टुलेट्स का नाम है ना, हाँ वो ना, ये जेनेटिक्स है ना रे, कौन से पोस्टुलेट्स? नहीं सर, हाँ हो गया सर, हो गया हो गया, वो पहले हो गया, तू सो रही है आज? नहीं सर, नहीं से। हो गया बच्चों, चलो जल्दी जल्दी, सब लोग सो रहे हैं क्या, चाय पी रहे, बिस्किट खा रहे? हाँ, चाय के साथ बिस्कुट कौन खा रहा है? हाँ वेरी गुड, तू तो पहले है अमन, गुड। राहुल खा रहा है ऐसा मुझे किसी ने बताया, राहुल को क्यों परेशान कर रहे यार तुम लोग, बेचारा अपना राहुल, काम के बोझ का मारा। ओके चलो, नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पूरी तरह से समझेंगे। नाउ मेंडेल डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सेम, और एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए, तो एक्सपेरिमेंट ही डिड ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी, दैट इज पाइसम सटाइवम। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड ही सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्लांट, सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, सीबीएसई के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे और क्या क्या क्राइटेरिया थे फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो किए थे उन्होंने, सो हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, नाउ दिस वाज द क्वेश्चन विच ही वाज स्ट्रगलिंग विथ, ठीक है। मतलब मेंडल क्या ढूंढ रहा था,
कि हाउ इज दीज हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स गेटिंग ट्रांसमिटेड, ये कैसे होता है, करेक्ट, एंड व्हाई देर आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो दो इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड, जैसे मेंडल ने क्या बताया दैट देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. देन द क्वेश्चन केम कि दो द फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, सो व्हाई दे आर ट्रांसमिटेड विद द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर इन द मेंडल्स माइंड, एंड विद ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस इन माइंड ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ प्लांट वैरायटी, एंड अ प्लांट वैरायटी वॉज स्पाइसम सटाइवम. जैसे हाउ सर्टन ट्रेट्स दे रीअपीयर इन द ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में जो होता है वो पेरेंट्स में नहीं रहेगा लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाता है. सो देर आर सर्टन कैरेक्टर्स विच आर नोन टू रीअपियर अल्टरनेट जनरेशन, इन अल्टरनेट जनरेशन. तो ये भी कैसे होता है, सो ऑल दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन. सो आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस वेर फाउंड आउट बाय मिस्टर मेंडल, सो थ्रू द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स. तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही हम लोगों को ये क्वेश्चंस पता चले. सो How is this possible and what is that which is responsible for this particular change ya fir transmission of the traits. So ye kaise hota hai, so everything was discovered by this particular scientist. Theek hai, to ye scientist ka kaam tha, to inhone ye kiya. Abhi jaise maine bataya ki abhi plant ka to study karna tha lekin kaun sa plant lena chahiye, so Mendel chose a variety of the plant that was known as Spicum sativum, a garden pea plant. Okay, now the question is ki inhone ye kyun chuna, so what are the reasons. This is, as I said, important question board ke liye, both CBSE aur 12th standard mein ye question important hai aur plus MCQ mein bhi iska importance rahega NEET ke liye. So there are certain reasons ki inhone ye particular plant ko kyun select kiya. To sabse pehla, the plant is called as the annual type of a plant. Annual type of plant matlab kya, what is annual plant? वेरी गुड, जो हर सीजन में आएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लांट शोड 3 to 4 months ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब पूरा ग्रोथ प्लांट का हो जाता है, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट टिल द डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड द फ्रूट वॉज विद इन 3 to 4 months. मतलब पूरे ईयर में कितने साइकिल्स मिल रहे हम लोगों को, तीन से चार साइकिल्स मिले. सो वी द मेंडल कुड ग्रो दिस पर्टिकुलर प्लांट फॉर इट्स 3 generations इन अ ईयर, एक ही साल में 3 अलग अलग जनरेशन को ये ग्रो कर पाया. सो दिस इज फर्स्ट रीजन. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि व्हाई ही चोज दैट, बिकॉज इट्स अ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, छोटा सा प्लांट है, एंड देन प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स. प्लांट है छोटा सा लेकिन सीड्स बहुत सारे प्रोड्यूस करता है, एंड प्लस इट कैन बी ग्रोन इन अ वेरी स्मॉल एरिया, करेक्ट. सो मेंडल कुड ग्रो थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स इन अ वेरी स्मॉल स्मॉल प्लॉट और स्पेस, दैट इज 70 meters by 7 meters. इतना छोटा सा था ये, करेक्ट. तो छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हुए. प्लस द वराइटीज विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वॉज इजिली अवेलेबल, ठीक है, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल था, येलो सीड वाला प्लांट, ग्रीन सीड वाला प्लांट. सो देर वॉज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर सीन इन दिस पर्टिकुलर प्लांट. सो लकीली फॉर द मेंडल, एज देर वॉज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, सो ही चोज दिस. समझ में आ रहा है, जैसे पर्पल और व्हाइट को क्रॉस करने के बाद जैसे लाइट कलर का या दूसरा कोई कलर का फ्लावर नहीं आया, इधर इट वॉज पर्पल और व्हाइट ओनली, सो नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स वेर प्रोड्यूस्ड. And the plant and the flower was considered as a self-pollinating, easy self-pollinating type of a flower. Self-pollination kyun lagta hai? Self-pollination is essential for generating or developing the pure breed. Okay? Pure breed ko agar develop karna hai, toh you require self-pollination. So that was easily done in this particular plant. Okay? Plus some other characters, the flower is large enough for easy emasculation. Emasculation is what? Removal of the male part or the anthers from the flower to prevent self-pollination. तो मतलब कुछ generations में हम लोगों ने Mendel ने self-pollination भी prevent किया to make sure कि cross-pollination होता है, तो the new plant which will be grown will be hybrid. So artificial cross can be made easily and it is known to produce the fertile offspring. And on the top of it,
इट इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व दिस एंटायर प्लांट. ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? दिस आर ऑल द रीजंस व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर दिस पर्पस. राइट, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. सबने लिख लिया ये? सर वो सिलेक्शन के रीजंस बाकी है. कौन सा, ये वाला? ये पहला स्लाइड. हो गया? लिखो लिखो. डन सर. अमन हो गया, हो गया? डन. हो गया ना? हेलो. यस सर. चलो, एंड दिस वन इज द लास्ट. ये सामान क्या हुआ? विच लास्ट स्लाइड सामान? सेल्फ पॉलिनेशन वाला. ये Shall we now? Chalo. So these are all the reasons why and how this material was selected.
Okay, now the next important task for the Mendel was to select the characteristics. अभी कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं तो नेचुरली इट हैज टू बी विजिबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड बी कॉन्ट्रास्टिंग. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब दे शुड हैव देयर एग्जैक्ट ऑपोजिट ट्रेट्स. ओके, सो द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. सो मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स एंड ऑल दी 7 कैरेक्टर्स वर क्वाइट विजिबल एंड दे ऑल हैड देयर ओन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ ईच कैरेक्टर एग्जिस्टेड इन two distinctly contrasting forms. Okay, so the one form which was expressed in a particular plant, and if it gets expressed in a particular plant, we call that as dominant trait. And naturally, the one which is not getting expressed or getting suppressed in a particular plant variety will be known as the recessive trait. To kuch generations mein ekhad xyz ek character dominant hai, to kuch generation mein दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा. इस तरीके से ये चेंजेस और वेरिएशन हम लोगों को मिला. ओके, सो दैट इज व्हाट मेंडल डिड हियर. सो डोमिनेंट कैरेक्टर इज व्हाट? डोमिनेंट कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर व्हिच हाइड्स और मास्क इट्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एंड रिसेसिव इज द वन व्हिच गेट्स हिडन बाय इट्स डोमिनेंट ट्रेट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स कौन से थे? सबसे पहला स्टेम हाइट. स्टेम हाइट में मेंडल को डोमिनेंट ट्रेट कौन सा मिला? तो डोमिनेंट ट्रेट इज दैट टॉल व्हिच वाज डिनोटेड बाय द लेटर एज कैपिटल टी एंड रिसेसिव वाज ड्वार्फ व्हिच इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल डी. ठीक है, तो ये पहला हो गया स्टेम हाइट. दूसरा कैरेक्टर जो था दैट इज सीड कलर. डोमिनेंट ट्रेट सीड कलर में था येल्लो और रिसेसिव था ग्रीन. सो येल्लो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई, बिकॉज यू हैव टू टेक द सेम लेटर for its genotype, recessive character's genotype, the letter which we have taken for the dominant but should be taken in small. Bas itna hi farak. Third character jo tha, that is seed shape. Dominant kya tha seed shape mein? Round, denoted by the letter as capital R, genotype is capital R, and the second one is the wrinkled, again small r, kyunki same the characteristic hai, uska opposite trait hai. So jo dominant trait ka लेटर रहेगा जीनोटाइप का वही लेटर आपको लेना है रिसेसिव के लिए. नेक्स्ट इज पॉड कलर. पॉड मतलब छिलका, जो हम लोग निकालते हैं और उसमें से सीड्स बाहर आते हैं, वो सीड्स को हम लोग खाते हैं. तो इसमें डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव इज येलो. सेम आ गया कैरेक्टर नंबर 5 पॉड शेप. डोमिनेंट ट्रेट इज इन्फ्लेटेड, रिसेसिव ट्रेट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो इन्फ्लेटेड आई कैपिटल आई, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल आई. Flower position, dominant trait is going to be axial and the recessive trait will be the terminal. Axial matlab the flower which grows at the branches. Barabar hai, jaise for example if we have a plant here and this plant has the branches like this, so the flower will grow in between the branches like this. Bolta hu main sanjeevani, sare dikhata hu. So that is known as axial. Terminal ka matlab the one which grows at the tip is terminal. Then character number 7 is flower color, which where the dominant is going to be colored flower. So either the flower was red or the flower was purple. Okay, and the recessive was always the white colored flower. और एक सब कैरेक्टर था जो सारे प्लांट्स में आपको नहीं मिलेगा, कुछ सीड्स में ही आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज अ सीड कोट कलर. और सीड कोट कलर में इट वाज कलर्ड हियर एंड इट वाज व्हाइट हियर. कलर्ड इसके लिए क्योंकि कुछ सीड कोट्स येलो थे, कुछ सीड कोट्स ग्रीन थे, इसके लिए कलर्ड एंड रिसेसिव ट्रेट इज व्हाइट. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर ऑल नोन एज 7 विजिबल contrasting characters. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सातों का आपको लिस्ट करना है तैयार. तो लिस्ट कैसे तैयार करोगे? तो आप नोटबुक में लिखते वक्त यहां पे लिखो कैरेक्टर, फिर इधर लिखो डोमिनेंट, फिर इधर लिखो रिसेसिव. Write down the characteristic and write down the dominant and recessive. Dominant, recessive, dominant, recessive, dominant, recessive, like this. Okay? Chalo, start writing this. I am showing from the first character. Likho. Sir, ek bar iske pehle kabhi slide batao. Haan. Ye wala? Haan, sir, ek bar.
डन हाँ सर हो गया तो बोलो हाँ डन सर सेकंड कैरेक्टर सीड कलर कॉटिलेडॉन येलो एंड ग्रीन कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हुआ अमन क्या चाहिए मिस्टर अमन अरोड़े क्या चाहिए लाट स्लाइड डन फिनिश्ड हेलो ये लो थर्ड कैरेक्टर संजीवनी को चाहिए था सेलेंजिनेला संजीवनी सेलेंजिनेला ड्रायोप्टेरिस ओके संजीवनी अटोले डन फिनिश्ड ऑल द अदर पॉड कलर नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर फाइव पॉड शेप डन अमन को फटके मारने चाहिए एक बार लास्ट स्लाइड लेट लतीफ ढीला आदमी एक बार लास्ट स्लाइड एक मिनट दिखाता हूं ये ले लास्ट स्लाइड अमन ले साई प्रसाद हो गया And this is
सेवन सब कैरेक्टर है, कैरेक्टर सब कैरेक्टर जो नॉर्मली सब प्लांट्स में नहीं मिलता है ना, इसके लिए इसको सब कैरेक्टर में कंसिडर किया गया है। इमैस्कुलेशन का मतलब आता है संजीवनी, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट और द एंथर फ्रॉम अ बायसेक्शुअल फ्लावर सो दैट इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, चलो, आई होप एवरी वन हैज रिटन ऑल द सेवन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स, इट इज इसेंशियल एंड नेसेसरी दैट वी शुड नो एंड अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये पूरे थ्योरी में ना बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी यूज किए गए। तो ये कौन से टर्मिनोलॉजीज है, क्या क्या टर्म्स यूज किए गए, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज, दिया सेल्फ पॉलिनेशन वॉज नीडेड एंड वेन एवर इट वॉज नीडेड इमैस्कुलेशन वॉज नॉट डन। समझ में आ रहा है दिया? तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन इज नीडेड फॉर डेवलपिंग द प्योर ब्रीड्स ना, तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब किया, क्रॉस पॉलिनेशन की जब जरूरत थी तब किया, so that self pollination will be prevented. Diya, ha. Chalo, what are the genetic terminology? Now before, as I said, now learning this, let us understand this. Jaise for example, character. Now what do we mean by character? It is the feature of the organism. Organism ka feature is known as the character. Jaise for example, height of the stem is a type of character which we have. But when it comes to trait, what is trait? It is an inherited character and its detectable variant. Matlab trait is basically the expression of a character is known as the trait. Jaise for example, height of the plant is a character, height of the stem is a character, and it is expressed in two forms. Kaun sa? Sabse pehla aata hai tall, dusra aata hai dwarf. So tall and dwarf are the traits of a character called as height of the stem. Get in this? Theek hai? So abhi pehle ye likho. Yehi hai last slide, Sanika. Godke. इससे पहले वाला चाहिए आपको? फटके दूंगा तुझे मन में अभी। चलो, ट्रेट का भी डेफिनेशन लिख के रखो। Done. Okay, so that is character and the trait. Now what are factors? Factors today we call them as the genes. So a unit of heredity, a particle present in organisms responsible for inheritance and expression, theek hai, which is getting transmitted from one generation to the next generation. Today, we call them as the genes. And how it is transmitted? It is transmitted through the gametes. Okay? And not as a character itself. So, through gametes, it will be transmitted. So, we call this as what? We call that as the factor. Aaj isko hum log genes bolte hai. Bas, that's it.
डन ओके सो दिस इज नोन एज द फैक्टर एंड दिस फैक्टर विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द गैमेट्स एंड नॉट एज अ कैरेक्टर इटसेल्फ एज अ कैरेक्टर नहीं ट्रांसमिट होता है थ्रू द गैमेट्स ओनली इट विल बी ट्रांसमिटेड ठीक है चलो नेक्स्ट शैल वी नाउ तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स चलो फैक्टर्स के बाद द नेक्स्ट कम्स इज द जीन्स So it is the particular segment of the DNA responsible for inheritance and expression of a particular character. Okay? So the term was coined by Johnson. Another important MCQ. So that is known as the gene. So a particular segment of heredity present on the DNA is known as the gene. Finished. Done. Okay, so that's known as the gene, right? अच्छा लेकिन अभी ना जीन के साथ और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज द एलिल और ऑल्सो नोन एज एलिलोमॉर्फ्स Now, what are alleles? Jaise genes are present on the DNA and DNA is going to form the chromosome. Now, these are called as the homologous chromosome. Now, when we say contrasting traits, matlab each trait is controlled by a gene. Jaise color of the flower, red and white. So, red ke liye ek gene rahega, white ke liye ek gene rahega. So, likewise, there are two or more alternative forms of genes, that is factors, which are called as the alleles of each other. And normally they are present on the homologous, especially on the same loci, matlab identical position, on the homologous chromosomes. So matlab jaisa ye dono, ye akar ek idhar hai, to exactly usi position pe dusre chromosome pe uska contrasting trait rahega. Same will be this. तो सपोज अगर ये जीन कलर ऑफ द फ्लावर में रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है तो ये वाला जीन किसको कंट्रोल करेगा व्हाइट को कंट्रोल करेगा एनी वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डोमिनेंट करेक्ट सो व्हाट आर एलील्स एलील्स आर नथिंग बट द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स बट हैविंग सेम पोजिशन यानी लोकाय या फिर लोकेशन उनका सेम रहेगा ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हा लिख लो इसको श्रावणी समझा नहीं मतलब टू हेटरोलोगस जीन्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैविंग सेम पोजीशन हाँ ऐसा बोल सकते हो आप क्वाइट पॉसिबल यस देखो अमन हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि वी हैव द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर है सपोज वी हैव दिस वन क्रोमोसोम वी हैव दिस अनदर क्रोमोसोम्स तो अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा मतलब पेयर ऑफ जीन्स भी रहेगा लाइक दिस करेक्ट सो ईच सिंगल जीन हियर इज नोन एज द एलील और ये दोनों मिलकर हम लोग इसको बोलते हैं जीन Get in this? So this will be
दिस विल बी एलील फॉर दिस एंड दिस विल बी एलील फॉर दिस, मतलब एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव जीन्स होते हैं. हो गया डन? ओके, नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया. सो एलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एलील, दैट इज हेटरोजाइगस कंडीशन, इज नोन एज द डोमिनेंट. जैसे यहां पे है ना, पर्पल कलर्ड फ्लावर इज डोमिनेंट, राइट? एंड स्मॉल सी मतलब ये क्या हो गया आपके लिए, रिसेसिव. अगर आप देखोगे तो ओनली डोमिनेंट हाइब्रिड्स, डोमिनेंट्स एक्सप्रेस इन हाइब्रिड. अगर ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, तो ये कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाला कैपिटल सी स्मॉल सी. सो कैपिटल सी एक आता है तो मतलब वो एक्सप्रेस करेगा. यस, दैट एलील्स आर द सिंगल जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड दस दे आर गोइंग टू फॉर्म द पेयर ऑफ एलील्स और पेयर ऑफ जीन्स. करेक्ट लोहिता? ठीक है, तो हाइब्रिड्स रहेंगे और हाइब्रिड्स में अगर एक भी अगर डोमिनेंट जीन रहेगा तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा, डोमिनेंट एलील रहेगा तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट. डन? जुई, बेसिकली जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑन डीएनए, बराबर है? एंड जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. लेकिन एलील की जब बात आती है ना, तो ये एक सिंगल एलील है, ये उसी का दूसरा सिंगल एलील है, ऐसा है. सो सिंगल यू कैन कॉल दिस एज एलील, टूगेदर यू कैन कॉल देम एज द जीन्स. समझ में आ रहा है? हाँ, करेक्ट. यस, बोथ एलील्स आर गोइंग टू बी कॉन्ट्रास्टिंग, ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग. अरे वो एलील इसके लिए क्योंकि वो एलील रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीन्स ना, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, किसी एक्सप्रेस करेंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो रिसेसिव हो जाएगा. जैसे ये डोमिनेंट हमने लिखा, ओके, सो रिसेसिव क्या रहेगा, द वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अल्टरनेट एलील, मतलब हेटरोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव. लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा तो वो एक्सप्रेस ही कर जाएगा. ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील. सो दिस इज नोन एज रिसेसिव. लिख लो इसको भी. Done. अरे सो गए क्या सब लोग? चलो ठीक है, नेक्स्ट
और क्या आते हैं नाम, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज फिनोटाइप. द फिनोटाइप मतलब क्या, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, सो डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, so we call them as phenotype. So it is the observable and is determined by different combinations of alleles. Okay, so this is known as what, this is called as the phenotype. Jaise tall plant, dwarf plant, we can see color of the seed, we can see color of the flower, we can see shape of the flower, we can see, so whatever character which we can see and perceive and feel, we call that as a phenotype. ठीक है, सो देर आर टू फिनोटाइप्स. कौन कौन सा, तो सबसे पहला वेर द फिनोटाइप टॉल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, तो इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन वो जीनोटाइप में ज्यादा अच्छे से आएगा, फिनोटाइप में नहीं लिखेंगे इसको. सो जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ फिनोटाइप. आई होप एवरी वन इज गेटिंग दिस. जो दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं हम लोग. झाला, नहीं फिनोटाइप ओनली डोमिनेंट कैसे होगा सना, ओनली डोमिनेंट ड्वार्फ भी हो सकता है ना, ड्वार्फ भी दिखता ही है ना अपने को, विच इज अ रिसेसिव, बराबर है ना सना, समझ में आ रहा है ना. हाँ करेक्ट इशिता, लेकिन अगर दोनों सपोज ये कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब ये टॉल हो गया, लेकिन ये कैसा रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी रहेगा तो ड्वार्फ ही हो जाएगा ना. सो यू कैन सी दैट, सो देयर आर टू फिनोटाइप्स. टॉल विल बी एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ड्वार्फ विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल टी, सो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेटरोजाइगस डोमिनेंट, वेयर एज स्मॉल टी इज होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब डोमिनेंट में दो टाइप आएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटरोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन रिसेसिव एक ही रहता है, होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक, चलो ये हो गया फिनोटाइप. जीनोटाइप इज नथिंग बट द जेनेटिक कंपोजिशन, क्योंकि हम लोगों को ये पता है दैट व्हाटएवर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीन्स. सो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एनी इंडिविजुअल विल बी नोन एज द जीनोटाइप, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप. जैसे यहाँ पे टॉल का जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, whereas ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल टी, सो विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व इट लाइक दिस. ठीक है, जैसे येल्लो एंड राउंड, अभी अगर दो कैरेक्टर्स है, येल्लो भी और राउंड भी है, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, और इट कैन बी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम विल बी ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा. सो द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम. सो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन, और पूरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम. इसके लिए होता है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसे आया HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, लिख लो इसको.
सर जीनोटाइप में भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है तो डिफरेंस नहीं समझा, मतलब जीनोटाइप में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेटा, जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉम्पोजिशन। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा ध्यान दो इधर मैं जो बोल रहा हूं। सपोज इफ आई सी दैट द कलर ऑफ द सीड इज येल्लो, ठीक है, ये थोड़ा पीछे जाता हूं। चलो ये वाला प्लांट का हाइट इज टॉल, मुझे दिख रहा है क्या हाइट ऑफ द प्लांट विच इज टॉल? यस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज फिनोटाइप। ओके श्रावणी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी एज आई सेड ना, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, बराबर है श्रावणी, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। सो इफ इट्स अ ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, सो नेचुरली इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। तो जो जीन विच इज कंट्रोलिंग द ट्रेट इज नोन एज वॉट? इट इज नोन एज जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा टॉल का? इट कैन बी इधर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। आर यू गेटिंग दिस श्रावणी? या सो दैट इज हाउ इट इज सीन। सर हमको 12th स्टैंडर्ड का मोस्ट पोर्शन मैम ने 10th में ही पढ़ा दिया था। या आई नो, गुड सानिका, आई एम हैप्पी। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं बहुत बेसिक बेसिक ले रहा हूँ, अभी आगे चल के और काफी सारी चीजें आएंगी, सो दैट वी विल स्टडी। ओके सानिका, सो गुड दैट यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड इजी फॉर यू। चलो हो गया ये लिख के, जीनोम का कॉन्सेप्ट समझा। सो जीनोम इज वॉट? द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द जीनोम। ओके अच्छा, होमोजाइगस मतलब क्या? एन इंडिविजुअल पजेसिंग सिमिलर एलिल्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। दोनों एलिल अगर सेम रहेंगे, यस नाइन्थ को था ये, करेक्ट। इट ब्रीड्स ट्रू टू द ट्रेट एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। जैसे पेरेंटल टॉल, अगर ये टॉल पेरेंट रहेगा तो इसका हमेशा गैमेट में क्या रहेगा? जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैन नॉट बी कैपिटल टी स्मॉल टी। वेयर एज पेरेंटल ड्वार्फ प्लांट विल ऑलवेज बी स्मॉल टी स्मॉल टी। डू यू रिमेम्बर मैंने आपको सेल्फ क्रॉसिंग का एग्जाम्पल दिया था? सेल्फ क्रॉसिंग अगर दो तीन चार जनरेशन में होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस। ये हमेशा याद रखो। और होमोजाइगस में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द सेम सिमिलर टाइप ऑफ एलिल्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, करेक्ट? सो वी कॉल दैट एज होमोजाइगस। एंड हेटरोजाइगस इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हेटरोजाइगस क्या रहेगा? सो एन इंडिविजुअल पजेसिंग डिससिमिलर एलिल्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, सो इट डज नॉट ब्रीड ट्रू टू दैट ट्रेट एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कौन कौन से? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमेट बन गया। ओके तो ये वाला रहेगा। सो पेरेंटल टॉल विल बी कैपिटल टी, पेरेंटल डॉर्फ विल बी स्मॉल टी। सो दैट मतलब ये अगर होमोजाइगस है तो इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे कैसे रहेंगे? हेटेरोजाइगस। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज मिक्सिंग ऑफ जीन्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? गुड, चलो ये लिख लो। होमोजाइगस लिखा नहीं? ना लिखो। यस सर, वन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉस्ट होता है। गुड सानिका, अभी और आगे कॉन्सेप्ट है सानिका, टेंशन मत ले तू, इसको छोड़ के और रहेगा थोड़ा डिटेल, तो वो भी पढ़ेंगे। फिनिश्ड? ये हेटरोजाइगस।
हाँ बराबर। सानिका घोड़के बोल रही है आज, सिर्फ सानिका नाम वाली लड़कियां बात कर रही है, लेकिन बाकी के लोग भी हैं बीच बीच में मैसेज डाल रहे हैं। सानिका, सानिका घोड़के, इशिता बीच में बात कर रही थी, अनन्या बड़बड़ करती है बीच में, है ना। चलो हो गया। सर, ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके कौन सा स्ट्रक्चर? नहीं नहीं ये मत, रखूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। हेटरोजाइगस हो गया। अच्छा, प्योर लाइन मतलब क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय प्योर लाइन? प्योर लाइन का मतलब, हेलो। वाह इशिता, कुछ भी मत बोलो, गुप्ता जी की बेटी, ऐसा कुछ भी मत बोलो। तो ट्रांसलेट कर रही है, प्योर को ट्रांसलेट करके शुद्ध बोल रही है। वाह वाह, होमोजाइगस कंडीशन, वेरी गुड निशिता, निशिता इज करेक्ट। होमोजाइगस कंडीशन फॉर द जनरेशन इज नोन एज द प्योर लाइन। जैसे पेरेंट वन होते हैं ना, पेरेंट वन आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द प्योर लाइन। सो इट इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेड्स, सो दैट्स नोन एज प्योर लाइन। ओके, जैसे पेरेंटल टॉल एंड पेरेंटल ड्वार्फ। ओके, सो पेरेंटल टॉल विल ऑलवेज बी कैपिटल टी कैपिटल टी, एंड पेरेंटल ड्वार्फ इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव ग्रुप ऑफ होमोजाइगस टॉल्स एंड वी आर गोइंग टू हैव ग्रुप ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ। सो अ प्योर लाइन इज समवन वेयर इट शोज सिमिलैरिटी इन देयर ट्रेड्स, मतलब उनके ट्रेड और उनके जीनोटाइप भी सेम रहेंगे। करेक्ट। ब्रीड और स्ट्रेन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन विच सर्टन कैरेक्टर्स अपियर इन सक्सेसिव जनरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, करेक्ट, वेरी गुड, इन इन ब्रीडिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बराबर है ना ऋतुजा? इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये बताया था आपको जब इमेस्कुलेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो अभी बोला था देखो प्योर लाइन अगर चाहिए रहेंगे तो क्या करना पड़ता है, सेल्फिंग करना पड़ता है ना। करेक्ट, सो इट इज नेसेसरी दैट देर शुड बी सेल्फ पॉलिनेशन, और वो भी एक जनरेशन में नहीं, मल्टीपल जनरेशन में करना पड़ता है फॉर द कंफर्मेशन। सो दैट इज नोन एज द प्योर लाइन। प्योर लाइन के एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा हाइब्रिड, मतलब ये हेटरोजाइगस रहेगा। सो इट इज द हेटरोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी क्रॉस इन्वॉल्विंग प्योर पेरेंट्स बट हैविंग वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे येल्लो एंड राउंड के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका हेटरोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड के लिए कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर, इनका हेटरोजाइगस इनका क्रॉस किया तो हेटरोजाइगस में क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड द सीड्स आर गोइंग टू बी राउंड एंड येल्लो, मतलब डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है और येल्लो येल्लो डोमिनेंट है और राउंड भी डोमिनेंट है। गेट इन दिस? तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटरोजाइगस कंडीशन है हाइब्रिड में। प्योर लाइन में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड, लास्ट ई स्लाइड, ई स्लाइड। यस्टरडे नाइट आई सॉ कश्मीर फाइल्स, किसने देखा है क्या? इवन आई सॉ ऑन संडे, वेरी गुड, सब लोगों ने देखा। हे शीता, गुप्ता जी की बेटी 2 बार रोई, मैं नहीं रोया लेकिन। सर हमें कुछ देखने का मौका क्यों नहीं मिलता, देखने का मौका? नाइस, या इट्स अ नाइस मूवी, क्यों नहीं मिलता देखने का मौका? बैटमैन कभी आया, आया है क्या बैटमैन? पता नहीं, वी आर वेटिंग फॉर दैट न्यू मूवी ना जो मई महीने में आ रहा है। हाँ वाह वाह श्रावणी, स्कूल क्लास एग्जाम पढ़ाई, बाप रे बाप रे बाप रे। आई नो लास्ट सीन इज हॉरिबल, बस वही एक उसी सीन पे सब खत्म हो जाता है।
आदित्य महाजन, आदित्य सिंह पुष्पा पार्ट टू। किधर का किधर लेके जा रहा है यार। और वो आया ना अभी 4 तारीख को आ रहा है, ट्रिपल आर नहीं 22 तारीख को, RRR। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, करेक्ट सना, डॉक्टर स्ट्रेंज आ रहा है मई महीने में, दैट आई एम गोइंग टू सी। अरे परम एंडिंग में ही वो जो हुआ है ना, एक्चुअली दैट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ओनली दैट वन डेट, दैट इज 19 जनवरी, ऐसा है। तो वो एंड में जो दिखाया है ना, वो स्टोरी वही है, उतना ही है एक्चुअली वो स्टोरी, लेकिन उसको पूरा अच्छे से प्रेजेंट किया, करने की कोशिश की है कि उस दिन क्या हुआ था। करेक्ट। मैं तो रात को कितना, हमारा बहुत लेट शो था, 11:30 बजे का शो था, तो 3 बज गया हमको आते आते, 3:15। हाइब्रिड का लिख लो भाई, आई नो आज सुबह में उठा उसी सीन से, एंड वाले सीन से। करेक्ट जुई, ऐसे ही होता है ना मूवीज, ऐसे ही बनते बेटा मूवीज का, होता है एक सिंगल लाइन, एक लाइन पे मूवी बनता है, क्या दिखाना है बस, दैट्स इट। फिर बाकी वो पूरा स्क्रीन प्ले राइटर्स का कमाल होता है वो, है ना, स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रीन प्ले वालों का। हाँ पावन खिंड भी अच्छा ऐसा बोलते हैं, वो नहीं देखा अभी तक मैंने। चलो ये हो गया, हाइब्रिड इज डन। मूवीज की बात आती है तो परम एक्टिव हो जाता है, पढ़ाई के टाइम पे परम एक्टिव नहीं होता है। अरे वाह जुई ने वो भी देखा, गुड है ना परम। गुड, साई प्रसाद ऑल्सो हैज सीन पावन खिंड। चलो आगे बढ़े, हाइब्रिड इज डन नाउ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा और भी कुछ आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव, अभी छोटा छोटा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, ओनली वन ट्रेट इज कंसिडर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, सो इट इज अ हेटरोजाइगस फॉर वन ट्रेट विच डिफर इन सिंगल पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। करेक्ट, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस हुआ, तो जो नया जनरेशन आया उसमें सारे कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब द क्रॉस विच इज मेड बाय कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर और वेयर ओनली वन ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड कंडीशन। ठीक है, चलो हो गया डन। हाँ हाँ लिखो लिखो। डायग्राम नहीं निकाला तो भी चलेगा, सानिका घोड़ के डन। ओके, F1 जनरेशन इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल फिलिया मीनिंग ऑफस्प्रिंग और द यंग वन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सो लैटिन वर्ड फिलिन मतलब आता है सन। ओके, सो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियन। सो दिस इज P1 जनरेशन, P1 जनरेशन में वी हैव अ शॉर्ट पी प्लांट क्रॉस विद टॉल पी प्लांट, और F1 जनरेशन में सारे पी प्लांट्स कैसे रहे, ऑल वेयर टॉल पी प्लांट्स।
So they are going to show the uniform expression. So the progeny produced from a cross is called first filial, that is F1 generation. Pahla cross hone ke baad, jo naya progeny aata hai, we call that as F1 or first filial generation. Whereas second cross, matlab inka hi, F1 ka hi, jab hum log selfing karte hai, then we call them as P2 generation, parent 2 generation. Aur unse jo naya generation aayega, usko hum log bolte hai F2 generation. That is second filial generation. Filin is a Latin word. Aur iska meaning aata hai son. That is why son matlab offspring, young one. Iske liye usko naam diya hai first filial generation. Theek hai? समझ रहा है भाई लोग और उनकी बहन लोग, आर यू ऑल क्लियर? हाँ चलो आगे बढ़े, शोपा शोपा है सभी है, चलो गुड. F2 जनरेशन अभी मैंने बताया, दैट इज सेकंड जनरेशन, सेकंड प्रोजेनी. सो प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग, दैट इज इंटरब्रीडिंग ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, सो नोन एज द सेकंड फिलियल जनरेशन. तो ये सेकंड फिलियल आया, सो दिस इज P1 जनरेशन, ये आ गया F1 जनरेशन. इनका सेल्फिंग हुआ तो इससे मिला आपको F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, सो 3:1 इज द रेशियो. ओके, सो P1 जनरेशन के साथ क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स, F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग हुआ तो 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज शॉर्ट. ओके, so it shows two or more types of individuals in a particular ratio. Jaise monohybrid cross mate is going to be 3:1. Yes, correct Bhushan, it is phenotypic ratio. So monohybrid cross mate is going to be 3:1. To dihybrid cross mate ratio kya aata hai? Phenotypic ratio 9:3:3:1. Hey Sanika kahan 1:3:3:1? हाँ करेक्ट, 9:3:3:1 इज द रेशियो. गुड आदित्य. और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1. बोलता हूं मैं, बाद में हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट तो पता चलेगा ऐसा कहां से आया है. ओके डन, F2 जनरेशन. देन दिस इज पनीट स्क्वायर और द चेकरबोर्ड डायग्राम. So it is a diagram that is used to show possibilities of combinations. Jo generally F1 ya fir F2 generation mein hota hai. So named after Reginald C. Punnett, naam ke scientist ke naam se kiya gaya tha, because he was the person who basically diagrammatically represented the experiments done by Mendel. Theek hai? So it is used for breeders to know all possible genotypes and phenotypes of the offspring produced in a cross. Correct? So normally F2 generation ke liye we will have this Punnett square. Okay. F1 ka slide dikhao. Babre, itna piche kyu? Sana, Lohita, nahi. Lohita. Sana ko last slide chahiye. Lohita, tu kitna piche hai re? Screenshot le le. Done? Ek hi word miss ho gaya. हो गया, पकड़ लिया उसको. हाँ चल, ये F2 जनरेशन चाहिए था ना सना. डन, एंड दिस इज पनीट स्क्वायर. Shall we now आगे बढ़े? Okay, now what are homologous chromosomes? Homo meaning same, so morphologically and structurally similar chromosomes. ठीक है? Present in a diploid cell is known as the homologous chromosome. So these are called as the homologous chromosomes. So structurally and morphologically both are same. So they have identical genes loci which is bearing the alleles. Matlab alleles ka bhi position rehta hai na homologous chromosomes mein. It's always going to be the
Same. So this is known as homologous chromosomes. Whereas if we say heterologous, heterozygous or heterologous, matlab different chromosomes. Jaise X and Y chromosome is not a homologous pair. Get in this, X and Y is always going to be a heterologous pair. ठीक है, हेलो, डन क्या हुआ? Finished? तो एक क्लासिकल मेथड्स है सिंबलाइजेशन पेरेंट जनरेशन पी और पी वन जनरेशन फिलियल जनरेशन एफ वन सेकेंड फिलियल एफ टू थर्ड फिलियल एफ थ्री लाइक दैट ओके तो ये सब सिंबल्स है यह सिंबल्स है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे डोमिनेंट कैपिटल टी फॉर टॉल कैपिटल वाई फॉर येलो रिसेसिव स्मॉल टी स्मॉल वाई ठीक है दिस इज फीमेल फ्लावर This one is the male flower and bisexual flower aega. Bisexual flower kaise aega? Like this. Male and female. So this is known as the bisexual flower. Clear? Symbols hai, so that is not important right now. Wo hum log jab experiments padhenge, to us time pe ye aega. So we need to actually understand and know the experiments. What was the procedure done for the experiment? मतलब कैसे तैयारी हुआ क्या किया मेंडल ने और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट आए तो उसको रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया उसका एनालिसिस कैसे किया दैट ऑल वी नीड टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर तो अभी के लिए हम लोग अभी बंद कर देते बिकॉज आई कैन नॉट स्टार्ट दिस आई नीड टू कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट टू आवर्स क्योंकि सारे प्रोसीजर्स में टाइम जाएगा समझने में ओके सो थैंक यू वेरी मच बाय बाय सी यू Take care of yourself. I don't say stay home, but I should say stay safe. Okay? Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye-bye. Tomorrow there is no bio lecture. It will be on Friday now.